हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माया विलेज चैनल। तो देखिए, ये धान चावल तैयार करने के लिए धान की, देखिए धान को अंकुरित करके इसको उगाया गया है। तो अभी ये बोने लायक लगभग हो रहा है। और ये देखिए, इसको थोड़ी सी नीलगाय भी खा ली हैं। आगे वाला, उधर वाला देखिए, वो सब अच्छे हैं। और उसको, इसकी बुआई के लिए अभी तैयारी चल रही है। अभी खेत की जुताई होगी, उसके बाद इसमें पानी, ये जो सब खेत खाली हैं, इसकी एक बार जुताई हो चुकी है और दूसरी बार जुताई होगी। तो आज 28 है, जून है, आज 28 जून है। तो इसकी जुताई के लिए अभी जुताई एक बार हो चुका है और दूसरी बार जुताई करके फिर इसमें बुआई होगी। ये मेरा गाँव है, देख रहे हैं। ये धान के लिए बीज तैयार, पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी ये देखिए, सारे खेत खाली हैं। अभी इसमें धान बोने की तैयारी हो रही है। अभी 3 से 4 दिन के बाद इसमें बुआई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी चकबंदी भी हो रही है। तो जहाँ जहाँ चकबंदी हो चुकी है, वहाँ वहाँ बुआई हो रही है। और हमारा खेत अभी खाली है, क्योंकि इसकी चकबंदी हो रही है। ये हमारी ड्रमस्टिक का पौधा है और ये पपाया का, ये ड्रमस्टिक है। अभी इसमें पत्तियां आ रही हैं, क्योंकि इसका सीजन नहीं है। तो ठंडी में इसमें फूल आएगी। और ये हमारे गुआवा का पेड़ है। और ये हमारे पपाया का पेड़ है। किस तरह से पपाया में प्रोटीन हो रहा है, ये कैसा लगा आपको मेरा ये पपाया का पौधा? अगर आपको पसंद है तो बताइए। इधर हमारी छोटे, और ये हमारे गुआवा का है। सब देखिए किस तरह से, और ये हमारे घिया का है। घिया का है, आज मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। देखिए इसमें किस तरह से छोटे छोटे भी बन रहे हैं, और बड़े बड़े कुछ हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसमें देखिए किस तरह से अभी लौकियाँ छोटी छोटी बन भी रही हैं। ये देखिए, देखिए किस तरह से बन रही हैं। ये 2 दिन के बाद ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरह से लौकियाँ बन रही हैं। इसको और मैं इधर लौकी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और ये छोटा है, इसको भी छोड़ दे रही हूँ, ये 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। और देखिए इधर एक और है, उसको भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और ये छोटे छोटे इस तरह से भी, तैयार हो रहा है, इसको मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। देखिए इसको, देखिए कैसे थोड़ा साइज है, पूरी तरह से इसको मैं ड्रम स्टिक का पत्ता उबाल के फिर उसमें
उसको मैं रात भर के लिए रख देती हूँ। फिर और जब दूसरे दिन इसको उसका लिक्विड इसमें डालती हूँ, बस उसी का परिणाम ये है कि हर 5-6 दिन के बाद लौकियाँ तैयार हो जा रही हैं। देखिए अभी कुछ तैयार होने को है, ये सब ये 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनिक किचन गार्डन? तो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।